सोनू हमारे हमारे राज्य का भविष्य है। मेरे मेरी तरफ से मैं आज भी कहना चाहता हूं कि अगर सोनू को किसी भी स्कूल में अगर सोनू के माँ बाप चाहें तो मैं उनके लिए पढ़ाने के लिए, चाहे वो जब तक आईपीएस नहीं बन जाएगा, मैं उसके लिए खड़ा रहूंगा हमेशा। 1,84,66,000 बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो उन सारे सोनू के भविष्य का क्या होगा भैया? सारा देश मैं वही कहना चाहता हूँ, आपका सवाल बिल्कुल सही है। एक सोनू की बात नहीं है, आज सोनू वो बच्चा आवाज उठाया है तो पूरी दुनिया के नजर में वो है, लेकिन ऐसे कितने सोनू पढ़ाई और व्यवस्था के चक्कर में अपने भविष्य को तय नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पे सरकार को विचार करना चाहिए, और सरकार विचार कर भी रही है, बहुत सारी चीजें सुधरी भी है और सुधरेगी भी। ये तो राजनीति मुद्दा हो गया। वही तो मैं चाहता हूँ कि आज अगर बेहतर कॉलेज अगर अपने तरफ बनते हैं तो हमें भी उस बेहतर कॉलेज में अपने बच्चों को बिहार के ही स्कूल में डालना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी। आज हम अपने बच्चों को मुंबई पढ़ने के लिए भेजते हैं, बाहर गांव पढ़ने के लिए भेजते हैं, सिर्फ इसीलिए ना कि हमारे बच्चों का भविष्य तय होगा। लेकिन अगर वही व्यवस्था अगर हमें यहाँ मिली तो शायद हमें उन बच्चों से दूर ना रह के अपने साथ रख के भी अपने बच्चों का भविष्य तय कर पाए। सोनू हमारे हमारे राज्य का भविष्य है। मेरी तरफ से मैं आज भी कहना चाहता हूँ कि अगर सोनू को किसी भी स्कूल में अगर सोनू के माँ